नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अकाउंट्स प्लानेट एडवाइजर्स। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई सूचनाएं अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस तरह की सूचनाएं ऑन टाइम पाएं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें नई नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। आज हमारी वीडियो एक छोटा सा टॉपिक है। एक अपडेट, एक न्यूज आई हुई है जीएसटी की साइट पर, आप देख रहे हैं 31/5/2021 को, एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो क्या कहना चाहते हैं वो इसमें उनका कहना है कि अभी जो पिछली 28 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में कहा गया है कि जैसा आपको पता है, किसी भी कारण से अगर अधिकारी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है तो आपको उसके रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर अंदर डालनी होती है। उसी का यहाँ पर जो है एक डेट एक्सटेंशन दिया हुआ है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है किसी भी कारण से और आपकी जो वो 30 दिन वाली ड्यू डेट थी वो 15 अप्रैल से 29 जून 2021 के बीच में आ रही है, 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में वो 30 दिन आपके पूरे हो रहे हैं। अगर पूरे हो जाएंगे 30 दिन तो आप उसके बाद रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते थे, पहले जो अपना नियम था उसके हिसाब से। लेकिन इन्होंने अब उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। मतलब कि जिस भी एप्लीकेशन का टाइम, जिस भी एप्लीकेशन के 30 दिन 15 अप्रैल से 29 जून तक हो रहे थे, वो अब 30 जून तक आप उसे कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके किसी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और आप किसी भी कारण से उसकी एप्लीकेशन नहीं डाल पाए थे तो आप 30 जून से पहले पहले उसके रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका दोस्त आपसे इजाजत चाहता हूँ। कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किस विषय पर आपको हमारी नई वीडियो चाहिए, कृपया वो भी कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं।